हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिव फ्रॉम मरीन लाइफ विद शिव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग जानेंगे मेंटेस टोरंडो 150 स्कीमर के बारे में। उसकी अनबॉक्सिंग से लेके फिक्सिंग तक मैं आपको दिखाऊंगा और जानेंगे किस तरह से उसको ऑपरेट किया जाता है और ये कितने लीटर के लिए अच्छा है। वैसे फिलहाल मैं आपको बता दूँ तो इसकी कैपेसिटी 1000 लीटर तक की है। छोटा दिखने में है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। यस फ्रेंड्स, तो आज इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कैसे चलेगा और कैसे उसको सेटअप करना है आपको। सो गाइस, सबसे पहले कटर की हेल्प से इसको हम लोग खोल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द बेस मेंटेस 150 टोरंटो। यस, ये कलेक्टिंग कप है इसका, अच्छा साइज है। ओके, एंड ये जो है इसके अंदर इसके डीसी पंप और कंट्रोलर है। अब इसको खोल के देख लेते हैं किस तरह से इसको सेटअप करना है। सो ये जो है ये इसका बेस है, दिस इज द बॉडी। ये बॉडी है इसकी पूरी मेंटेस 150 टोरंटो। यस गाइस, ये कंट्रोलर है, ये बेस स्टैंड है इसका, जिसके ऊपर आपका डीसी पंप माउंट होएगा और पूरा स्कीमर स्टैंड करेगा। दिस इज द डीसी पंप। ये इसका डीसी पंप है जो कि एक डिजिटल कंट्रोलर के साथ आता है। देख लीजिए, छोटा है दिखने में लेकिन बहुत अच्छा काम करेगा ये। इसके अंदर एक रोटेटर है। इसकी खासियत ये है, कल को अगर जो कुछ भी खराब होता है तो वो ठीक हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। दिस इज द बेस कंट्रोलर। ये जो इसका आपका स्कीमिंग कंट्रोल करने के लिए, ये देखिए, इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्टैंड पोजीशन में रहेगा, खड़ा रहेगा, बट मैं आपको बेस दिखा रहा हूँ ये कंट्रोल कैसे होता है, इसको ट्यूनिंग कैसे करना है, वो ट्यूनर है उसका। दिस इज द साइलेंसर। और ये जो है राइट साइड में ये सकर है जो एयर सक करके डीसी पंप के थ्रू स्कीमिंग करता है। सो फ्रेंड, दिस इज मेंटेस। यस, दिस इज मेंटेस। ये इसकी कैपेसिटी 900 लीटर्स के तक के टैंक को ये संभाल सकता है। दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा काम कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, डिजिटल टचिंग कंट्रोलर है इसमें। एंड दिस इज डीसी पंप जिसके कंट्रोल उससे होएगा। छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा काम करेगा। सो अब मैं आपको इसकी फिटिंग्स बता देता हूँ किस तरह से करना है और किस तरह से इसको आप सेट कर सकते हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं इसको सेटअप कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको निकाल दीजिएगा। साइड्स में जो ये है, एक आप स्क्रूड्राइवर से भी इसको कर सकते हैं और हाथों से भी इसको आप खोल सकते हैं। सबसे पहले आप जो डीसी पंप का बेस है उसको एक स्क्रूड्राइवर की हेल्प से आराम से उसको बेस को आप टाइट कर लीजिए। इसमें जो स्क्रूज हैं वो प्लास्टिक के स्क्रूज हैं जो कि कभी भी उसमें जंग नहीं लग पाएगा, उसमें रस्ट नहीं लगेगा। मेटल स्क्रूज रहते हैं तो वो एंड ऑफ द जंग लग जाते हैं, रस्ट लग के वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें प्लास्टिक के स्क्रू दिए हुए हैं, विद हेल्प ऑफ स्क्रूड्राइवर आप अच्छी तरह से उसको टाइट कर लीजिए। बेस एक बार आपका लग गया, उसके बाद आप अपने डीसी पंप को उसमें अच्छी तरह फिट कर लीजिए। इस तरह से ये देखिए, ये आपका डीसी पंप फिट हो गया। इस तरह से आप फिट कर लीजिए इसको आराम से। हिले ना, इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। बस फिटिंग के टाइम पे ये ध्यान देना है आपको कि वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली फिट हो जाए उसमें। अब एक बार इसका जो अपर है एरिया, अपर बॉडी, एक बार आप उसको लगा के एक बार देख लीजिएगा सो देट वो प्रॉपरली फिट हुआ है कि नहीं।
अब डीसी पंप के ऊपर जो है स्कीमर एरिया, उसके लिए स्कीमिंग जो वेसल है उसको आप प्रॉपरली फिट कर लीजिए। ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, स्लोली आप रोटेट करके भी इसको डाल सकते हैं और पुश करते करते धीरे धीरे भी इसको आप लगा सकते हैं। इसके साथ में ये प्लास्टिक का नट दिया हुआ है जो स्कीमर कप को आप टाइट कर सकते हैं आराम से, जो उसको प्रॉपरली होल्ड करके रखेगा, टाइट करके रखेगा। थोड़ा और इसको प्रेस कर देते नीचे हम लोग, प्रॉपर पूरा गया नहीं था। यस, इस तरह से आप इसको प्रॉपरली लगा दीजिए। मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और स्पेस नहीं होनी चाहिए, बस प्रॉपरली टाइट रहे, क्योंकि वाइब्रेशन रहेगा तो आपका स्कीमिंग अच्छी तरह से नहीं करेगा। इसमें जो स्कीमिंग कप है इसके नट्स वगैरह सब प्लास्टिक के दिए हुए हैं एक्लेरिक के, जिसमें कभी भी रस्ट नहीं लगेगा और इजीली आप उसको विद द हेल्प ऑफ हैंड, विद द हेल्प ऑफ स्क्रूड्राइवर आप इन सबको फिट कर सकते हो। आप एक बार हाथ से उसको एक बार टाइट कर लीजिए, उसके बाद स्क्रूड्राइवर की हेल्प से भी आप उसको टाइट कर सकते हैं, बट मोस्टली इसमें आपको स्क्रूड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़्यादा भी इसको टाइट मत कीजिएगा। यस, अब ये हमारा टाइट हो गया है, अब हम इसकी बॉडी फिट कर लेते हैं। बॉडी को पहले जेंटली आप प्रेस कर लीजिएगा आराम से, स्लोली, ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, बस ये देखिएगा कि मूवमेंट हो सके और कहीं पे वो लूज ना रह जाए। अब आपकी बॉडी के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के जो ऊपर की साइड से स्क्रूज हैं उनको आप फिट कर लीजिए। प्रेस करके प्रॉपरली कहीं से जगह ना रह जाए उतना ध्यान दीजिएगा। हाथ की मदद से आप उसको अच्छी तरह टाइट कर लीजिए पहले, फिर बाद में स्क्रूड्राइवर की हेल्प से ऊपर से आप उसको टाइट कर सकते हैं। अब हमने ऑलमोस्ट चारों लगा लिए हैं, स्क्रूड्राइवर की हेल्प से इसको थोड़ा और टाइट कर लेते हैं। हमारा स्क्रूज लग चुके हैं, ये जो रबर बेस है जो आपके स्कीमर को प्रॉपर ग्रिप देता है, रबर बेस है जो स्क्रू को प्रॉपरली होल्ड करता है। अब ये आपका बॉडी रेडी हो चुका है, स्कीमर बॉडी आपकी रेडी हो चुकी है। इसमें से जो है एक साइलेंसर के लिए पाइप जा रहा है और एक स्कीमिंग जो है ट्यूनिंग करने के लिए, ये साइलेंसर है जो कि ऑक्सीजन इनटेक लेता है एंड बाहर डालता है, और एक कलेक्टर कप का कलेक्टिंग पाइप है। साइलेंसर को आप आराम से सिलिकॉन पाइप में फिट कर लीजिए। और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, साइड में बॉडी पे आप लगा दीजिए इसको साइलेंसर को। आपकी जो बेस बॉडी है वो रेडी हो चुकी है, नाउ आपका कलेक्टर कप उसको आपने लगा दिया है। अब इस तरह से उसको आप लगा दीजिए। और जो कलेक्टर कप है, कलेक्टिंग कप में एक वॉल दी हुई है जहाँ पे आप
उसको भी लगा सकते हैं, और पाइप की हेल्प से अगर जो आपको कलेक्टिंग बाहर कलेक्ट करना है एक गैलन के अंदर या एक बड़े बॉक्स में या कोई डब्बे के अंदर, तो आप पाइप के थ्रू उधर पे आपका कलेक्टर जो है वेस्ट, आपका जो स्कीमिंग वेस्ट है वो आप उधर कलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपका जब सेट हो जाए तो ट्यूनिंग के लिए एक बार आप विद द ट्यूनर आप उसको ज़रा चेक कर लीजिए। यस, ऑलमोस्ट आपका स्कीमर अभी रेडी हो चुका है। अब कनेक्शन की जो बात है, इसमें डिजिटल कंट्रोलर है जो कि टच कंट्रोलर दिया हुआ है डीसी पंप का, ये सबसे अच्छा मुझे लगता है स्कीमर में। इसको प्रॉपरली आप देख के प्रॉपरली फिट कीजिए, इसको प्रॉपरली जेंटली प्रेस करके आप इसको टाइट कर लीजिए। सप्लाई है, सप्लाई को आप कंट्रोलर में कनेक्ट कर लीजिएगा। ये टच पैड है, टच की हेल्प से आप डीसी पंप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें चाइनीज प्लग दिया जाता है, चाइनीज कंट्रोलर आप लगा के आप प्लग इन करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये था मेरा आज का अनबॉक्सिंग मेंटेक्स टोरेंडो 150। होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको हर समय की तरह मैं कुछ ना कुछ नया और अच्छा बताते रहूँगा। अब अनबॉक्सिंग मैंने स्टार्ट की है, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स आते रहेंगे नए नए मार्केट में, वो हिसाब से मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। और फ्रेंड्स, अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हर समय की तरह मैं आपको जवाब दूंगा आपके। और फ्रेंड्स, आपका मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। सो फ्रेंड्स, न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सो देट आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स भी जान सके एवरीथिंग अबाउट मरीन लाइफ। बाय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा जरूर, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कितनी अच्छी लगी। रात के 1:30 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये मैं ऑफिस का काम चलता है और ऑब्वियसली ये भी बहुत बिजी रहा मैं, तो मैं वीडियो डाला। सो फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी, और आप लोग का मुझे सिर्फ प्यार सपोर्ट कीजिए, सो दैट मैं आपको और अच्छी से अच्छी नॉलेज लेके आता हूँ। My friends, take care. Chabagi.